हेलो फ्रेंड, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बनाएंगे कढ़ी पकोड़े की रेसिपी। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन लेंगे, कटा हुआ प्याज, हल्दी, नमक, जीरा पाउडर, पानी, उसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़े थोड़े करके सारे पकोड़ों को तल लेंगे। पकोड़ा हमारा रेडी हो चुका है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ी बनाने के लिए मसाले तैयार करेंगे। मसालों में हमने लिया लाल मिर्च, लहसुन और जीरा। अब हम तेल में जीरा डालेंगे, कड़ी पत्ता, प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे लाल होने तक। प्याज हमारा भुन चुका, उसमें मसाले डालेंगे, जीरा पाउडर, हल्दी, नमक, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले हमारे भुन रहे, अब हम कढ़ी के लिए बैटर तैयार करेंगे। कढ़ी के लिए हमने लिया है बेसन, दही, नमक, हल्दी और पानी, उसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कढ़ी का घोल हमारा तैयार हो चुका है। इधर मसाला भी हमारा भुन चुका है, अब मसाले में हम कढ़ी का घोल डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अब हम कढ़ी में पकौड़े डालेंगे और उसे 2 मिनट तक और पकाएंगे। अब हम कढ़ी में लाल मिर्च और जीरा का तड़का लगाएंगे। कढ़ी में तड़का ज़रूर लगाएं, तड़का लगाने से हमारे कढ़ी का स्वाद डबल हो जाता है। कढ़ी हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसे हम सर्व करेंगे। आप इसे रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।